नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्वेतास फूड में। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज मंचूरियन। इसके लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर घिसा हुआ, फ्रेंच बीन्स बारीक कटा, स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज, अजीनोमोटो, मैदा, काली मिर्च, कॉर्नफ्लावर, बारीक कटा अदरक, मिर्ची, बारीक कटा लहसुन, प्याज और शिमला मिर्च। और ग्रेवी में यूज़ करने के लिए टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस। अब हम सारे सब्जियों को एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालकर इसे मिक्स करके 5 मिनट रेस्ट करने देंगे। अब हम सब्जी के एक्स्ट्रा पानी को निचोड़ कर निकाल देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये बिखरे ना। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा और कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छे से बाइंड करेंगे। इसे मिक्स करते जाएंगे और जब ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें और कॉर्नफ्लावर और मैदा मिलाते जाएंगे, जब तक ये अच्छे से बॉल टाइप का ना बनने लगे। इसे ऐसे करके देखिए, जब ये बॉल बनने लगे तो इसे हम फ्राई करेंगे। अच्छे से मिला ले से, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसका छोटा छोटा बॉल बनाएंगे इसे साइज का, अच्छे से प्रेस करके। चलिए अब हम फटाफट से अपने मंचूरियन बॉल को फ्राई कर लेते हैं, पर ऑयल ज़्यादा हीट ना हो, नहीं तो मंचूरियन ऊपर से रेड तो हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। इसे एकदम लो फ्लेम में फ्राई करना है। अच्छे से हिला लेते हैं ताकि हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे अच्छे से घुमाएंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। मंचूरियन बॉल अब हमारे रेडी हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम फटाफट से ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। हम ग्रेवी वाला मंचूरियन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, मिर्ची सभी को डाल के अच्छे से भून लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, अब हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे और इसे भी थोड़ा भूनने देंगे। इसे भी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा भूनना है। थोड़ा स्प्रिंग अनियन भी, हरा प्याज भी थोड़ा डाल देंगे ताकि इसका कलर और भी सुंदर आए। अब इसमें हम टमाटो केचप डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। अब
सोया सॉस 2 चम्मच, 1 चम्मच चिली सॉस। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो और आप डाल सकते हो, मगर मैं यहाँ पे ग्रीन चिली का यूज़ की हूँ इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच ही डालूँगी। अभी ब्लैक पेपर भी डालना है इसलिए इसमें 1 चम्मच ही चिली सॉस का यूज़ करूँगी। अब इसमें हम कुटी काली मिर्च डालेंगे और अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल, अगर ये ना हो तो आप इसके जगह पे विनेगर का यूज़ कर सकते हो, ये रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर देगा। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर का घोल डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमें ग्रेवी थिक चाहिए। अब इसमें हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस का यूज़ किया है, उसमें सोया सॉस में नमक रहता है और अजीनोमोटो भी सॉल्टेड ही रहता है। हम ग्रेवी वाला मंचूरियन बना रहे हैं इसलिए इसमें हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। इसमें एक बॉयल आने तक इसे पकाएंगे, फिर इसमें हम अपने बॉल्स को डाल देंगे। अब हम इसमें अपने सारे मंचूरियन बॉल्स को डाल देंगे। दो सेकंड के लिए पका लें। हमारा ग्रेवी वेज मंचूरियन रेडी है, अब इसे हम सर्व करते हैं। इसमें हम थोड़ा स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल करेंगे। हमारा वेज मंचूरियन रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।